तो आइए फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है मेरी क्लास अनुभव वित्त रवि के मैथ्स में। और दोस्तों, हमने 16.1 और 16.2 को क्लियर कर लिया है, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे 16.3। 16.3 प्रश्नावली राजस्थान मैथ्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो शंकु का सूत्र है। अगर आप शंकु के सूत्र को अच्छी तरीके से समझ गए तो आपको प्रश्नावली में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक शंकु के चित्र को ड्रॉ यहां पर कर लेते हैं। यहां पर देखना आपको क्या करना है कि दो तिरछी रेखाएं खींचनी है और उन रेखाओं के नीचे आपको एक वृत्त बना देना है। ठीक है, ये क्या बन गया, एक शंकु। अब दोस्तों, ये क्या होता है, वृत्त। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, इसे क्या कह देंगे हम, त्रिज्या को हिंदी में त्रिज्या कहते हैं और इंग्लिश में रेक्टेंगल यानी रेडियस यानी त्रिज्या आर। अब ये क्या होती है दोस्तों, आपकी हाइट, इसको कहेंगे हम हाइट। और हाइट को लिखेंगे हम ऊंचाई, ऊंचाई को हिंदी में ऊंचाई कहते हैं और इंग्लिश में हाइट, तो हाइट को लिख देंगे हम एच से। अब शंकु में तीसरी चीज भी होती है आपकी, ये होती है तिर्यक लंबाई। क्या होती है, तिरछी लंबाई, यानी कि तिरछी लंबाई या तिरछी लंबाई या तिर्यक लंबाई कुछ भी कह सकते हो। इसको कहते हैं हम लंबाई, इसको कहते हैं हम हाइट और इसको कहते हैं हम त्रिज्या। अब इसमें जो सबसे पहला सूत्र है आपका, सबसे पहला सूत्र वो है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, अब आयतन क्या होता है, हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, दूसरे वाले में कर लिया है कि भाई आधार का क्षेत्रफल इंटू, सॉरी यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां पर देख रहा है, इंटू ऊंचाई। अब बताओ आधार का क्षेत्रफल, आधार किसके समान है, वृत्त के समान है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। ये देखो, ये शंकु है या आइसक्रीम का डिब्बा मान सकते हो, जमीन पर पड़ा हुआ है, तो इसका जो निचला रिश्ते है या निचला जो आधार है वो किसके समान है, वृत्त के समान है। तो उसका हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर इनटू ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई है एच। इतना होने के बाद भी ये सूत्र कंप्लीट नहीं हुआ। अब बताओ दोस्तों, ये जो शंकु है इसको हमने एक बेलन के रूप में ही तो काटा है, ये क्या था हमारा, एक बेलन था। बेलन को मतलब तिरछा काटने के बाद ही तो हमारा एक शंकु मिलता है, तो ये बेलन का 1/3 भाग होता है, इसीलिए इसका जो सूत्र बन के तार होता है आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला, यानी कि बेलन का या 1/3 भाग होता है, इसीलिए हमने इसके आगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख दिया। और पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन का फॉर्मूला होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो दूसरा सूत्र है वो है आपका शंकु का, शंकु की तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई। अब तिर्यक लंबाई से समझना, ये आपका क्या बन रहा है, एक यहां पर देख लो, इस त्रिज्या को इस तरफ से मैंने एक बार काट दिया और यहां पर त्रिज्या लगा दी। तो देखो दोस्तों, ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहां से देखना, एक समकोण त्रिभुज बनता है ना, और हमें क्या निकालनी है, इस तिरछी लंबाई का मान निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण क्या है आपका एल बराबर आधार स्क्वायर, आधार क्या है आपका आर, तो आर स्क्वायर प्लस हाइट, हाइट क्या है एच, तो एच स्क्वायर। तो तिरछी लंबाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल बराबर ये स्क्वायर है इस तरफ आ जाएगा, ये अंडररूट में चेंज हो जाएगा, बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो तिरछी लंबाई का जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार बनके तैयार हो गया, एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब दोस्तों, इसमें जो आपका तीसरा फॉर्मूला है वो क्या है, उसको देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या है आपका, कि शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों पाई आर एल, डायरेक्टली याद कर लो। और दूसरा सूत्र, चौथा सूत्र होता है इसमें शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण ले लिया आपकी बात, तो करना क्या है, क्या बनेगा, पाई आर ब्रिकेट आर प्लस एल। तो ये दोस्तों चार फॉर्मूले हैं आपके लिए शंकु से रिलेटेड, जो कि 16.3 में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप साथ साथ में नोट बनाओ या इनको याद करो या कुछ भी करो, आप जो भी करना चाहते हो, वीडियो को जरूर यार लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे हम इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट में, तब तक देखते रहे सॉरी दोस्तों, देखते रहे मेरे चैनल अनुभवित रवि के मैथ्स को। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, यानी कि 16.3 के जितने भी उदाहरण है उनको डिस्कस करेंगे।